का सिंहासन लगा हुआ है। अच्छा, आज भी राजा जी का सिंहासन है। ये देखिए, ये यहाँ का दीवान खाना है, राज दरबार है। यहाँ राजा का दरबार लगता था। अच्छा, सामने महारावल जी बैठते थे। सामने राज सिंहासन, सिंहासन क्यों बोलते हैं इसको? सिंह की आकृति है नीचे, आप देखिए उसके ऊपर आसन है, बैठने की जगह है, इसलिए सिंहासन। और इसके ऊपर राजा जब बैठते हैं तो उसको राज सिंहासन बोला जाता है। ऐसे राज सिंहासन। ऊपर की तरफ छाता लगा, उसको बोलते हैं मेगा डमर छत्र। मैंने आपको बताया नीचे लिखा हुआ था छत्राला यादवपति, तो ये छाते के कारण इनको छत्राला यादवपति बोला जाता था। ये छाता मेगा डमर छत्र कृष्ण भगवान की, इंद्र भगवान के विजय के प्रतीक के रूप में इनको दिया गया था। ऊपर सोने का कलश, सोने की पत्तियां लगी हुई है, आप जो देख रहे हैं नीचे पत्तियां। अच्छा अच्छा, सोने की है। हाँ, सोने की। वो कलश ठोस है क्या प्रेम जी? ठोस है, पूरा एकदम ऊपर का बना, पूरा सोने का। और सिंहासन पूरा चांदी का बना हुआ है। अच्छा, ठोस चांदी। उसके ऊपर हाँ तलवार रखी हुई। राजा जहाँ बैठता था वो उस जगह वो कभी खाली नहीं रखते, कुछ ना राज्य प्रतीक चिन्ह रखते, जैसे तलवार है, भाला है, ढाल है, वो रखा जाता। अब ये आपने आप देखी युद्ध के लिए लड़ने वाली जो तलवार है वो सामने रखी हुई, लंबी 5 फीट लंबी तलवार। अब आप सोच सकते 5 फीट लंबी तलवार है तो उसको चलाने वाला कितना? राजा, मंत्री, दीवान, वित्त मंत्री और सेनापति, 5 लोग बैठते थे। राज्य का टैक्स, राज्य के नए कानून, राज्य की नई युद्ध रणनीति यहीं से तैयार होती थी। इन 5 लोगों के अलावा किसी को अंदर अलाउ नहीं था। ये जो महारावल जिनकी डेथ होगी 2022-23 के अंदर, अच्छा, महारावल ब्रजराज सिंह, तो उनका 13 मार्च 1982 में राज तिलक किया गया था 17 वर्ष की उम्र में, और 52 वर्ष की उनकी डेथ हो गई। अब इनकी लड़की चैतन्य राज सिंह वो राजा, ठीक है। अब चलेंगे अपन बाहर की तरफ। ओके ओके ओके। महाराजा का सिंहासन ऊपर है प्रेम जी? नहीं, ये वो सिंहासन हो गया जो उनका बेडरूम है। हाँ, बेडरूम ऊपर है। अच्छा, जो का वगैरह फोटो है ना। हाँ, वो ऊपर की तरफ है। अपन से बाहर निकलना है अपन को। हाँ, अभी अभी बाहर निकलेंगे, इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। अच्छा, इसी रास्ते से। तो कमाल का ये किला है और कमाल के यहाँ के राजा थे। यहाँ पर ये क्या लगा होता है प्रेम जी? ये बूट होते थे पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। एक ही समय काम आते थे, जैसे किसी छूटे नहीं क्योंकि हाथ पसीना गीला हो जाता था, हाथ गीले हो जाते थे, उसको पकड़ के रखने के लिए। तो फेंक के भी मारते थे प्रेम जी? या भी मार सकते थे, फेंका तो तब जाता जब दूरी है या ऊपर है वो अपन पहुंच नहीं पा रहे तो फेंक के मारा जाता। यहाँ पर ये कोई चौकीदार के हथियार रखने के रूम होते थे। अच्छा, उनको भी बंद कर दिया, पुराने हथियार रखे हुए उनमें। प्रेम जी ये बताइए, जब यहाँ के राजा 7.5 फीट के थे तो भी कुछ युद्ध की वीरता की कहानियाँ भी हैं कुछ? बहुत सारे है, राव दुदा है, राव मूलराज है, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिमों को हराया। मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ डेरा डाला तो राव दुदा ने उनके खजाने से घोड़े लूटे थे। अच्छा, जब उनके खजाना उन्होंने गुजरात को लूट के उनका सेनापति वापिस जा रहा था तो उन्होंने उनकी सेना का जो सेनापति था उसको मार दिया, उसके घोड़े लूट लिए, उसका जो गहना उन्होंने जैसे भारत से जो सोना चुराया था वो सारा सोना लूट करके किले के अंदर आ गए। तब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ खुद आया अटैक करने के लिए, 1 महीना तक डेरा डाल के बैठा रहा लेकिन उसको जीत नहीं पाया। फिर इन्होंने उसको छापा मार युद्ध से छका दिया तो यहाँ से भाग गया। भाग गया। ये बस्तियाँ हैं जो बाहर की तरफ दिख रही हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से दिखाइएगा, यहाँ से दिखाइएगा, यहाँ खास ये 1156 का CCTV कैमरा है। अच्छा, आप देखिए किस जमाने में, ये देखिए पहले गेट को सीधा वॉच करता है ये। ओ अच्छा, पहले दरवाजा दिखाइएगा, जो पहला दरवाजा है ये पहला वो ये सीसीटीवी दरवाजा है उस जमाने, सीसीटीवी कैमरा उस जमाने का जिससे सीधे पहला दरवाजा दिखता है। सैनिक लोग यहाँ खड़े रहते थे, सडनली अचानक कभी आक्रमण होता था तो वहाँ से लाल झंडा फहराया जाता था। अच्छा, पहले गेट से, और वो यहाँ का डायरेक्शन इस तक पाता था, इस चरोखी तक। अच्छा, यहाँ जो सैनिक खड़े रहते थे, ड्रम सामने था, वो ड्रम को बजा देते थे। तो पहले गेट पे जैसे अचानक आक्रमण होता यहाँ ड्रम बजता था तो फटाफट तीनों गेट बंद हो जाते थे। अच्छा, और अंदर सेना अलर्ट हो जाती थी और फिर युद्ध की। अपन लोग यहाँ से नीचे से आए जो आपने ड्रम बताया। हाँ, सीसीटीवी कैमरा है। अच्छा, तीसरा नंबर जो गेट है उसको देखने के लिए। अच्छा, और इधर से दूसरा गेट दिखता है वो सामने, ये सारे उस जमाने के छोटे छोटे कैमरे। अच्छा, उससे पहला गेट, इससे दूसरा, तीसरा गेट। क्या बात है, और टॉप पे जाते तो सारे गेट दिख जाते हैं। यार देखिए कितने कबूतरों का ये घर बन चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी कमाल की कारीगरी है, इसको नक्काशी को करीब से देखिएगा। और ये है त्रिपोलिया महल। अच्छा, त्रिपोलिया क्यों बोलते हैं? दरवाजे हैं। अच्छा, अपने एंटर हो रहे पहला गेट है, दूसरा गेट उधर ऊपर जाने का, तीसरा ये। अच्छा, ये पूछा था राजा लोग आते थे वेलकम का, राजा लोग शाही सवारी के साथ यहाँ आते थे, रानियाँ यहाँ से पुष्प वर्षा करती थी नीचे की तरफ। प्रेम जी गोले भी बहुत सारे रखे हुए, ये देखिए गोले दिखाइएगा, कितने कमाल के गोले हैं,
और कितने सारे गोले रखे हुए हैं, गोले रखने की जगह ही होती थी नीचे दीवार के पास में, इधर छतों के ऊपर, यहाँ दीवार के ऊपर। तो यहाँ से कैसे मार करते होंगे प्रेम जी? ये जैसे ऊपर चढ़े थे ना, ऊपर से नीचे धक्का देना गोले को, नीचे जैसे सेना ऊपर आ रही नीचे जाएगा पहाड़ के नीचे होते हुए, सामने जो भी सैनिक उनको लेके गिर जाएगा। अच्छा, क्योंकि ढलान थी, यहाँ से फेंक दिया जाता था, बस सीधा नीचे फेंक देते, नीचे की तरफ जैसे आ रहे हैं सामने से लेकर के सेना को वापिस चला जाता था गोला ऐसे। क्या बात है, सभी जगह मिसाइल्स हैं और सभी जगह गोले रखे हुए हैं, अद्भुत। अभी भी इनके गिरने कट रहते हैं प्रेम जी? नहीं, ये यहाँ पर फिक्स किए हुए, नीचे गोल गोल जगह है ना, उन्हें छोटे खटमट गड्ढे किए हुए हैं, पहले से गड्ढे किए हुए, तो फिक्स रहते हैं ये गड्ढों में, हिलते नहीं है। क्या बात है यार, नायाब कारीगरी का नमूना आपको देखने को मिलेगा इस जैसलमेर के किले में, सोनार के किले में। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर, ये है जैसलमेर के फाउंडर, जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव, जिन्होंने जैसलमेर बनाया। मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर हर राजा का टाइटल है, तो हमारे यहाँ का टाइटल है महारावल। 1156 से 1167 इन्होंने शासन किया यहाँ पर 10 साल किला बनने के बाद महारावल जैसल। उसके बाद में जो राजा हुए महारावल दुर्जन साल दुजाजी 1299 से 1347 तक, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय ये यहाँ पर राजा होते थे। उसके बाद एक के बाद एक राजा है, आप इनको देखेंगे तो इनकी जो शैली है, आप देखिए मूंछों की, इनके जो ऊपर के जो मुकुट पहने हुए हैं वो सारे मॉमडन शैली से लगभग मिलते जुलते, क्योंकि जो राजा होता है उसका गेटअप कैसा होता है इनको नहीं पता होता, इसलिए उसी को फॉलो करते थे। इसलिए ज़्यादातर मुगलों के जैसे इनके जो मुगलों की तरह मुकुट और मूंछे वगैरह सब वैसी। ये आगे जाके महाराज रंजीत सिंह भी जाके इनको थोड़ा पता चलता था कि राजपूत शैली में जो राजा होता है उनको इस तरह से रहना चाहिए। ओ बहुत सारी, सभी उस समय सब फोटो बनी है महारावल अखेय सिंह जी, जिन्होंने वो दरवाजा पहला दरवाजा बनाया 17वीं शताब्दी में वो। अच्छा, तो नहीं प्रेम जी, किला पहले बन गया फिर ये दरवाजे बाद में? दरवाजे धीरे धीरे बाद में बनते, किले का विस्तार होता गया ना, तो जैसे जो राजा सुरक्षा आगे बढ़ते गए, थोड़ा आगे सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ते। अब ये इनका जनरेशन ट्री है, वंशावली जिसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण इनके पहले राजा माने जाते हैं, उनके बड़े लड़के थे राजा वज्रनाथ, दो नंबर जो उनके लड़के थे उन्हीं की ये सारी संतान है। और एक नंबर से राजा श्री कृष्ण, राजा वज्रनाथ दूसरा, और 116 नंबर पे महारावल जैसलमेर, जिन्होंने जैसलमेर बसाया। 43 राजा आज तक जैसलमेर में, 43 पीढ़ी राजा, ये सभी राजा हैं। और ये बिजराज जी हैं, आइए आपको दिखा दें, जो मैन राजा जिन्होंने अपने अमिताभ बच्चन जिनके गवर्न के सामने खड़े थे, सबसे शक्तिशाली राजा। अच्छा, युद्ध तो नहीं लड़ा लेकिन इनकी हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी। महारावल दूधा के बाद में ये है महारावल सालिवान सिंह द्वितीय, इनका चोगा है, इनका हाथ चोगा राइट गाउन, 7.5 फीट हाइट, 2.5 से 3 फीट बॉडी का चौड़ाई, 250 किलो वजन, महारावल सालिवान सिंह। क्या बात है, ये आके बहुत शक्तिशाली राजा थे। और वो खाते पीते भी, मतलब खाते पीते बहुत अच्छा था, एक्सरसाइज भी खूब करते थे। और ये है हमारे जैसलमेर के नहीं, एशिया के सबसे सुंदर राजा है। 2006 के अंदर इनको एक सऊदी अरब में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, वहाँ पर पूरे एशिया के राजाओं को बुलाया गया था। अच्छा, तब आप भी वहाँ पधारे थे, तो आपको वहाँ पर सबसे सुंदर राजा होने का अवार्ड दिया गया था। क्या बात, 2006 के अंदर। और ये इनके छोटे भाई थे जिनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अच्छा, और ये हमारे पूरे आज तक जो भी राजा हुए उनकी सारी फोटोग्राफ्स है, और यहाँ का स्टेट सिंबल छतराला यादवपति। क्या बात है, और अभी जो प्रेजेंट किंग है हमारे, अच्छा ये है महाराज बृजराज सिंह के लड़के, इनका कहाँ रहना होता है? ये हनुमान सर्किल पे इनका महल है। अच्छा, बादल विलास के नाम से वहाँ पर इन्होंने। महाराज जी का शयन कक्ष कौन सा था प्रेम जी? शयन कक्ष ये अभी बंद है, बारिश के कारण उसको बंद कर दिया। अच्छा, सर्किट बंद हो गया है। अच्छा, ये बंद कर दिया उसको, इसके अंदर शयन कक्ष भी। अच्छा, गज विलास, कमाल है। और प्रेम जी कोई दरबार भी है जहाँ पर सभी दरबारी आके बैठते हो, कभी पैसा दरबार लगता हो बड़ा? वो ऊपर है पेपर लिखेंगे। अच्छा, वो सबसे ऊपर। ये इनका होली चौक है, यहाँ होली सेलिब्रेशन होता था। अच्छा, यहाँ पर होली सेलिब्रेशन होता था। बंद हो गया है, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें पुरानी मूर्तियाँ थी, अभी बारिश के कारण थोड़ा कमजोर हो गया, इसलिए बंद कर दिया। और ये इनका स्ट्रीट सिंबल है छतराला यादवपति, मैंने आपको बताया। लाल कलर है तो देवी के उपासक, पीला कलर है पितामह कृष्ण भगवान के उपासक, पृथ्वी कलश, बीच में वरा अवतार बना हुआ है, जो राज्य चिन्ह होता था इनका, जहाँ भी राजा जाते थे वहाँ राज्य चिन्ह साथ में रहते, जिससे पता चलता था कि यहाँ के। तो घोड़े का क्या मतलब है, घोड़ा रखा हुआ है? ये घोड़ा छोटे छोटे राजकुमारों को, राजकुमारियों को घुड़सवारी सिखाते थे। अच्छा, ताकि रियल घोड़े पे बैठने से पहले उनका डर समाप्त हो जाए। अच्छा, लेकिन हमारे कवि ने अपनी कविता में लिखा है कि घोड़ा कीजिए काठ का,
पिंड कीजिए पसाण, बख्तर कीजिए लोके, तब देखो जैसान। यानी पुराने ज़माने में जैसलमेर आना बड़ा मुश्किल था। जैसलमेर के अराउंड में 350 से 400 किलोमीटर रेगिस्तान था, इसलिए उन्होंने बोला आपका घोड़ा लकड़ी का, आपके कपड़े लोहे के, आपका शरीर पत्थर का हो, यानी कि आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सर्दी गर्मी बारिश को सहन कर सको और जंगल में जाने से डर नहीं लगे, तब जाके आप जैसलमेर देख सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते जैसलमेर। इस हिसाब से क्या बात है। तो यहाँ पर होली मनाई जाती थी, यहाँ पर रानियाँ खड़ी हो जाती थी। अच्छा। और ऊपर से राजा लोग पानी के साथ में कलर। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे रानियाँ होती होंगी राजाओं की, राजाओं के साथ में। तो यहाँ परिवार के साथ राजा लोग होली खेलते थे। अच्छा, ये जगह है जहाँ से राजा पानी ऊपर से पानी फेंकते थे, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण पानी को वेस्ट नहीं किया जाता था। अच्छा। पानी को वापस यूज करते थे। यहाँ से पानी नीचे जाता था, उसको तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में इकट्ठा कर लेते थे, वापस फिल्टर किया जाता था उस पानी को। फिल्टर करने के लिए क्या करते थे, फिटिकरी डाल देते और मुल्तानी मिट्टी डाल देते। फिटिकरी क्या करती थी, कलर से पानी को अलग करती थी। और फिटिकरी अलग करने के बाद जब गंदगी होती थी कलर की, उस सारे को लेकर के पैंदे में मुल्तानी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी, फिर वही पानी निकाल करके बर्तन धोने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पोछा मारने के लिए काम में लिया जाता था। इस तरह से 4-5 तरह से वापिस उसी पानी को यूज होता था। और राजाओं का पीने का पानी कहाँ से आता था? पानी का यहाँ पर कुएं बने होते किले के अंदर। अच्छा, जैसल कुए नहीं, ये बताइए जब पहाड़ी में बसा तो कुएं भी बहुत गहरे होते होंगे। हाँ, कुआ भी है 200-250 फीट गहरा। हाँ, 200-250 फीट गहरे। कहा जाता है कि वो कृष्ण भगवान आपने सुदर्शन चक्र से खोदा था उसमें। अच्छा, ये है आम दरबार। अच्छा, यहाँ राजा के साथ आम दरबार लगता था। और जो यहाँ के जितने भी राजा के मंत्रिमंडल होता था उनके लिए बाहर चेयर लगती थी। अच्छा, बाहर चेयर पे ये देखिए टेंट बंद कर दिया गया है। बंद है, खोल सकते हैं? बंद है, बंद है। ऊपर टेंट लगा दिया जाता था ताकि मंत्रिमंडल के लिए छाया रहे ऊपर। राजा जी अंदर होते थे और वहीं से एक गेट है। अच्छा, तो गेट से पब्लिक जो भी राजा से मिलना चाहती थी महल में जाए बिना सीधा यहाँ से ऊपर आ जाती थी। और ये गेट दरवाजा दिख रहा है जो फरियाद राजा को सुना सकती थी, जिसको बोलते अपन जैसे योगी जी अभी लगाते हैं ना जनता का दरबार, ऐसे जनता का दरबार लगता था। क्या बात है, उनको फ्री न्याय मिलता था राजा की तरफ से। अद्भुत। ये लोहे की ढाल है जिसके ऊपर आप देखेंगे गोल्ड से पेंटिंग किया हुआ, किनारे के ऊपर सोने की पॉलिश से पेंटिंग किया, और ऐसे ही कपड़े के किनारे के ऊपर पूरा गोल्ड पॉलिश है। ये मलमल का कपड़ा है जिसके ऊपर जोरो दर्जी का काम किया गया है। अच्छा। जिसके ऊपर पूरा गोल्ड पॉलिश है। अद्भुत। और उधर की तरफ देखेंगे पत्थर के ऊपर ज्वेलरी डिजाइन, दिखने में ऐसा लगता है जैसे लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, स्टोन है। अच्छा, लोगों के हाथ लगने से काला हो गया था। अच्छा, इसलिए इसके ऊपर पेंट कर दिया। अच्छा, पत्थर है ये? हाँ, ये बारीक ज्वेलरी डिजाइन है। आप देख लीजिए पत्थर के ऊपर इतनी बारीक कार्विंग करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा कमाल का काम। उस जमाने के आर्किटेक्ट देखिए आप। हाँ, बहुत पुराने जमाने के लोग, जमाने की कला देखिए, बड़े कमाल के होते थे। और प्रेम जी ये खासतौर पर बहुत अच्छा देखने में लगता होगा कि पहले कुछ वैसे सिस्टम तो थी नहीं लाइटिंग के, तो ये पत्थरों में जो लाल हरा नीला ये रंग है, कांच होता था इसे कलरफुल, छोटा सा दीपक भी जलाते तो अंदर में रंग बिरंगी रोशनी होता थी, रोशनी ताकि अच्छा लगे चैलेंज के लिए वो जमाने में। तो जोधपुर का रियासत ज्यादा बड़ी थी जैसलमेर से? हाँ, वो बड़ा था। ये एक तो क्या है, बैकवर्ड इलाका था। हाँ।